23 नवंबर को इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक आर्टिकल को पब्लिश करा जिसके साथ उन्होंने हेडलाइन दी, अहेड ऑफ पोल्स बीजेपी बिकम्स द नंबर वन एडवर्टाइजर ऑन टेलीविजन। इस आर्टिकल के साथ इस आर्टिकल की ऑथर ने ये क्लेम करने की कोशिश करी कि BARC की लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 16 नवंबर को जो वीक कंप्लीट हुआ है, जो हफ्ता खत्म हुआ है, उस वीक के दौरान बीजेपी इंडियन टेलीविजन पे नंबर वन की एडवर्टाइजर थी, यानी कि वो एडवर्टाइजर्स की लिस्ट पे टॉप पे थी। प्रेस के स्पोक्स पर्सन मनीष तिवारी ने भी इस आर्टिकल को शेयर करा जिसके साथ उन्होंने लिखा था, नो वंडर टेलीविजन चैनल्स प्रिफर कवरिंग प्रोसेसर्स ऑफ ब्रैश बीजेपी spookies rather than even the former Prime Minister of India, Sardar Manmohan Singh. Does Election Commission of India have a view on this? काफी नामी गिरामी मीडिया आउटलेट जैसे कि हफिंगटन पोस्ट और न्यूज एक्स ने भी इस स्टोरी को कवर करा था सिमिलर क्लेम के साथ। ट्विटर पे भी काफी वेरिफाइड यूजर्स ने भी यही सेम स्टोरी को पोस्ट करा था। जब हमने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी और बाग की वेबसाइट को चेक करा जहां पे इंडियन टेलीविजन व्यूअरशिप और एडवर्टाइजिंग की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है, हमने वहां पे टॉप 10 एडवर्टाइजर्स के बारे में चेक करा, तो आप देख सकते हैं जैसा कि लिस्ट में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इस लिस्ट को टॉप करा है और बीजेपी टॉप 10 में भी नहीं है। तो ये जो क्लेम किया जा रहा है कि बीजेपी टॉप एडवर्टाइजर थी 16 नवंबर में जो वीक एंड हुआ था उस वीक में, वो एकदम सरासर गलत है। तो क्या इकोनॉमिक्स टाइम्स ने जो इन्फोग्राफिक शेयर करी थी वो गलत है? नहीं, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने जो इन्फोग्राफिक शेयर करी थी वो टॉप ब्रांड की थी, ना कि टॉप एडवर्टाइजर की। अगर हम और पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो टॉप ब्रांड्स की लिस्ट में बीजेपी नंबर वन पे थी और टॉप 10 में कोई और पॉलिटिकल पार्टी थी ही नहीं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि और सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो काफी पीछे हैं बीजेपी से इस रैंकिंग में।